हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन भरता विथ एग। इसमें लगेंगे, पहले चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है, उसके बाद बोन से अलग कर लिया है। उसके बाद आपको इसमें लगेंगे प्याज कद्दूकस किया हुआ एक मीडियम साइज का, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चा जो मैंने बड़ा बड़ा साइज का काट लिया है, और टमाटर जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, और जो चिकन मैंने बॉईल किया था उसका पान स्टॉक मैंने रख दिया है, और दो अंडे लगेंगे, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। चलिए मैं तब स्टार्ट करती हूँ। तो पहले करके आपको रखना है, उसके बाद आपको ये रख लेना है, फोन साइड होगा। रेसिपी को मैंने रिफाइन ऑयल से बना ली है। इससे दो चम्मच ऑयल देना है आपको। वैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें थोड़ा सा आपको इसको फ्राई कर देना है, उसके बाद आपको अदरक लहसुन का पेस्ट दे देंगे इसमें। होने के बाद इसमें टमाटर का जो प्यूरी मैंने बनाया था वो देखा है आपको।
आप चाहे तो बाजार से भी जो मिलता है प्यूरी टमाटो का वो भी आप लोग दे सकते हैं इसमें। आप चाहे वो थोड़ा नमक देना है इसमें आपको चाय मिलता है। उसके बाद आपको हल्दी पाउडर देना है। उसके बाद आपको इसमें धनिया ऐड करना है। अच्छे से इसको आपको फ्राई करना ताकि जो ऑनियन अदरक लहसुन का कच्चा पैन है वो फट जाए। और इस चीज मैंने जो आपको बोलना मैं भूल गई, कश्मीरी और लाल मिर्च का पाउडर देने से अच्छा कलर आएगा। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप घर में एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा बन गया। अब मैंने जो चिकन गुन से अलग करके रखा था वो मैं दे रही हूँ। कम करती हूँ मैं, कम करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लो आप लोग। बाद इसमें एक जो मैंने बना के रखा था वो मैंने दिया। एक स्टॉक रखा था वो मैं इसमें दे दूँगी। पूरा नहीं दूंगी, थोड़ा बचा कर रखूंगी। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप चाहे तो इसको पराठे के साथ, लच्छा पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। लाल मिर्च और मैं दे रही हूँ इसमें।
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी का पसंद करते हैं तो थोड़ा और मिर्च दे सकते हैं। और इसको थोड़ा ढक्कन हटा के और एक बार आप इसमें लास्ट में या तो धनिया की पत्ती या फिर कसूरी मेथी और घी ऐड कर सकते हैं लास्ट में देख सकते हैं। अच्छा इसका स्मेल आ रहा पांच में इसको ढक के रखिएगा। उसके बाद आप लोग इसको ढक्कन हटा के कैसे जो हम लोग का चिकन बॉइल है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को थोड़ा हाथ से आगे से ब्रश कर लीजिएगा। थोड़ा सा दो मिनट के लिए समय इससे देखिएगा अच्छा हो गया हम लोग का चिकन भरता दिखते और मैं इसको सर्विंग आप रोटी के साथ पराठे के साथ लच्छा पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस ऐसे मैं दे सकूँ।